जी तौसीफ खान साहब। जी तीसरा सवाल ये था कि जो हिस्सा होता है उसके अंदर बहुत दफा जो बस बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि वजड़ी या बट कहते हैं, तो इसका खाना सुन्नत से साबित है या हुजूर से कुछ इसका कुछ रेफरेंस है, या इसका हिस्सा करना जरूरी है? जानवर के जिस्म का हर हिस्सा सिवाय खून के, और उसके अंदर जो गंदगी होती है, जो उसका पेशाब पाखाना होता है, पेशाब पाखाना तो उसका नहीं खाना है, और खून, खून भी जो बहता हुआ खून है, बहता हुआ खून वो हराम है। गोश्त में जो लगा होता है थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का खून, उसकी बात नहीं, बहता हुआ खून। उसके अलावा जानवर के जिस्म का जो भी हिस्सा है सबको खाना चाहिए, कोई कहीं पर इस्तेमाल नहीं है इसका कि ओझड़ी खाना नहीं है या फला चीज नहीं खानी है, सारी चीजें आप खा सकते हैं, सब जायज है। जी तौसीफ भाई, अगर उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। मैं दूसरे भाई को एक देखिए, मौका दे रहा हूँ। अगर कोई जी सर, आदमी कहता है, अगर कोई कहता है कि नहीं जायज है, या कोई कहता है मकरूह है, तो हम उससे दलील मांगेंगे कि अदमे जवाज की या कराहत की क्या दलील है, क्योंकि अल असलु फिल अशिया अल इबाहा, दुनिया की तमाम चीजें जो खाने पीने से मुतालिक जो चीजें हैं, तमाम चीजें जायज हैं, सिवाय उन चीजों के जिनके अदमी जवाज पर कोई दलील आ जाए। तो अगर कोई आदमी नाजायज कह रहा है तो उसे दलील देना होगा।